बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है बीजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर। नीतीश दिल्ली आए तो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी बीजेपी, जेडीयू से हो सकते हैं दो डिप्टी सीएम। बीजेपी ने नीतीश के पाले में डाला गेंद, कहा अगर मुख्यमंत्री की इच्छा है तो किया जाएगा पूरा सम्मान। अभी तो दिल्ली तय करेगा, निश्चित रूप से स्वाभाविक है वो अगर राज्यसभा में चले जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, अभी तो दिल्ली तय करेगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर राबड़ी देवी ने दी प्रतिक्रिया, बोली अच्छा है चले जाए, कोई उनको रोकना भी नहीं चाहता। माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए, जाना चाहिए, जाना चाहिए, माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। बिहार विधानसभा में लगातार दूसरे दिन बवाल, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के हंगामे पर बुलाए गए मार्शल, सीपीआई एमएल के विधायकों को किया सदन से बाहर। जो भाजपा द्वारा चयनित अध्यक्ष है उन्होंने एक पक्ष अख्तियार करके हम लोग को मार्शल आउट कर, विजय कुमार सिन्हा जो भाजपा द्वारा चयनित अध्यक्ष है उन्होंने एक पक्ष अख्तियार करके हम लोग को मार्शल आउट कर दिया। बीजेपी के कोटे से राज्यसभा जा सकते हैं शिवपाल यादव, सीएम योगी से मुलाकात के बाद अटकलों को मिली हवा। समाजवादी पार्टी के सहयोगी और महान दल के अध्यक्ष ने शिवपाल पर साधा निशाना, बोले बीजेपी के साथ उनके पहले से हैं रिश्ते। कुछ तो रिश्ता हो भाई, वो रिश्ता अगर है तो, अगर नहीं है तो वो बंगला खाली करवा लिया जाना चाहिए, तो कुछ तो रिश्ता होगा भाई। वो शिवपाल यादव को लेकर अटकलों पर संजय निषाद ने जताई खुशी, बोले बीजेपी की नीति है सबका साथ और सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करती है, सबके लिए दरवाजा खुले रहती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास करती है, सबके लिए दरवाजा खुले रहती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी ने सिलेंडर और बाइक पर चढ़ाई माला। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, देश भर में जगह जगह सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के महिला मोर्चा की मोर्चाबंदी, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल। रायपुर में महंगाई मुक्त भारत बनाने के लिए कांग्रेस का आंदोलन, गैस सिलेंडर को माला पहनाकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा पर संसद में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा पहले इस स्कीम को उड़ाते थे मजाक, कोरोना काल में पता चला इसकी अहमियत। एक्शन में यूपी के सीएम योगी, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के लिए 2015 रुपए की एमएसपी तय, कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती। दार्जिलिंग में दिखा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कुकिंग अंदाज, सुबह की सैर के दौरान मोमोज बनाते दिखी ममता बनर्जी। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ई ऑटो रिक्शा के बेड़े को दिखाई हरी झंडी, कहा 3500 लोगों को मिलेगा रोजगार, प्रदूषण कंट्रोल करने में भी मिलेगी मदद। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा केजरीवाल के घर पर हमले का मामला, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जल्द जांच शुरू करने की मांग। केजरीवाल के घर पर हुए हमले के विरोध में यूपी में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को घेरा। केजरीवाल के घर हुए हमले के विरोध में उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन, देहरादून में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर साधा निशाना। घर पर हुए हमले को लेकर दिल्ली के सीएम ने दी प्रतिक्रिया, बोले केजरीवाल नहीं, देश है महत्वपूर्ण। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, इस देश का एक आम नागरिक हूँ, देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है। केजरीवाल कश्मीर फाइल्स पर बयान को लेकर केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी की बढ़ रही है नाराजगी, दिल्ली में सीएम का पुतला जलाया।
आम आदमी पार्टी ने किया जम्मू कश्मीर का रुख, सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए अगले महीने सूबे का दौरा कर सकते हैं केजरीवाल। 2 अप्रैल को गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं दिल्ली के सीएम केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों में आसपा का दायरा घटा, सुरक्षा के हालात बेहतर होने पर केंद्र सरकार ने लिया फैसला। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने आसपा पर फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा पिछले 7 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में बनाया शांति का माहौल। पिछले 7 सालों में नॉर्थ ईस्ट अंदर में जो शांति लाए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो पहल की है और अमित शाह जी ने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसके माध्यम से कई जो संगठन हैं जो गलत रास्ते में थे वो रिटर्न हो गए हैं। सीजीआई एनवी रमना ने लॉन्च किया फास्टर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे जाएंगे अदालत के फैसले, तुरंत हो सकेगी कैदियों की रिहाई। बवा और रमजान से पहले महाराष्ट्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, केंद्र की चिट्ठी के बाद राज्य सरकार ने हटाई कोरोना से जुड़ी पाबंदियां। कर्नाटक दौरे पर है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तुमकुर के सिद्धगंगा मठ का किया दौरा। हरियाणा के झज्जर में भीम आदमी का विरोध प्रदर्शन, दलित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। लखनऊ में अस्पताल के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम, व्हीलचेयर और स्ट्रेचर देखकर भड़के ब्रिजेश पाठक। उन्नाव में 12वीं क्लास की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, इंग्लिश का पेपर आउट होने के बाद दी जान। कासगंज में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, 10 तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, उपकरण बरामद। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में मिट्टी धंसने से दब गई 10 बच्चियां, 1 की मौत, 9 का किया गया रेस्क्यू। नागपुर में बीच सड़क बड़ा हादसा, धुंधु कर जली दौड़ती बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर के एक कलाकार ने 1000 किलो कबाड़ से किया कमाल, एम्बेसडर कार को दिया नया रंग रूप। पटना में कल से डीजल बस और ऑटो पर लगेगी रोक, ड्राइवर और ऑपरेटरों ने सरकार के फैसले पर जताई चिंता। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बुलाई बैठक, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज समेत सूबे के आला अधिकारी रहे मौजूद। बढ़ती गर्मी के बीच स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए बढ़ाए गए इंतजाम, ज्यादा पंखे लगाए गए और जगह जगह की गई पीने के पानी की व्यवस्था। सूरत में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, नेचर पार्क में गर्मी से परेशान पशु पक्षी पर पानी की बौछार कर रखा जा रहा है विशेष ध्यान। ओडिशा में लगातार छलांग मार रहा है पारा, कई जगहों पर 42 के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने किया बेहाल, आगर मालवा में 42 डिग्री पर पहुंचा तापमान। अब भी बर्फ से ढकी है ऐतिहासिक नेपाल रोड, युद्ध स्तर पर चल रहा है साफ सफाई का काम। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकेंगे श्रद्धालु, कोरोना गाइडलाइन में छूट मिलने के बाद हटाई गई पाबंदियां। 33 अंकों की गिरावट के साथ 17,464 पर बंद हुआ निफ्टी, 115 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 58,568 पर सेंसेक्स बंद। पेट्रोल डीजल की कीमत, बढ़ती कीमतों ने लोगों के किचन पर भी डाला बोझ, लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। दस दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल और डीजल में फिर हुई 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। नए कारोबारी साल में अब महंगा पड़ेगा घर लेना, ब्याज पर धारा 80EE8 में 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का नहीं मिलेगा लाभ। इंडिया रेटिंग्स ने घटाकर 7% किया भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते उपजे हालातों को बताई वजह। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं की ब्याज पर चल सकती है कैची, जल्द हो सकती है ब्याज दरों की घोषणा।
ITC को जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कामकाज के लिए बेस्ट इंडस्ट्री इन CSR का सम्मान मिला। जल शक्ति मंत्रालय ने किया सम्मानित। छोटे उद्योगों को सरकार ने दी राहत। लघु और मझोले व्यवसायों के लिए 6000 करोड़ से ज्यादा के वित्त पोषण कार्यक्रम को मंजूरी। भारत में अब सिटी बैंक का कारोबार संभालेगी एक्सिस बैंक। करीब 1.5 अरब डॉलर में हुआ दोनों के बीच सौदा। गूगल पे ने लॉन्च किया टैप टू पे फीचर। पेमेंट करने के लिए यूजर को अपने फोन को POS टर्मिनल पर करना होगा टैप। इराक के नए राष्ट्रपति के नाम पर अब भी संशय बरकरार। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति चुनने के लिए 2/3 सदस्यों की मौजूदगी जरूरी। चीन में ऑस्ट्रेलियाई राजदूत को पत्रकार के खिलाफ सुनवाई के दौरान बीजिंग कोर्ट में नहीं मिली एंट्री। चीन के कदम को बताया बेहद चिंताजनक। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक कार्सिटिक होंगे भारत में अगले अमेरिकी राजदूत। व्हाइट हाउस का बयान, साबित होंगे बेहतरीन प्रतिनिधि। फिलहाल सीनेट से मंजूरी का इंतजार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ली कोरोना की दूसरी बूस्टर डोज। बोले, इसमें कोई दर्द नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक। चीन में तमाम प्रतिबंधों के बाद भी कोरोना से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। लॉकडाउन के तीसरे दिन शंघाई में संक्रमण की जांच के लिए दिखी लोगों की लंबी कतार। चिल्ली में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने की पानी के बौछार और दागे आंसू गैस के गोले। कतर में इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक गेंद का अनावरण अल रहला रखा गया नाम।